साल 2024 शुरू होके ऑलरेडी 3 महीने बीत चुके हैं एंड ये पूरा साल भी बीतने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल एंड डिस्ट्रेक्शन। आपकी दिन की शुरुआत फोन से होती है एंड खत्म भी फोन से। इसमें कुछ बुराई नहीं है कि आप इंटरनेट यूजर हो। प्रॉब्लम जब है जब आपका दिमाग फोन को कंट्रोल करने के वजह आपका फोन आपके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। ऐसा हमारे साथ न जाने कितने बार होता है। हम कोई काम के लिए फोन उठाते हैं, उसी काम के बीच किसी का मैसेज या कोई ऐप की नोटिफिकेशन आ जाती है एंड हम हमारा काम छोड़ के इजिली दूसरे ऐप से स्विच हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लेस अटेंशन स्पैन। और जब तक हमें रियलाइज होता है कि हमने कोई काम के लिए फोन उठाया था, ऑलरेडी टाइम बीत जाता है एंड आखिर में हम रिग्रेट होके वो काम को कल पे टाल देते हैं। बट वो कल कभी आता नहीं है, लेकिन महीने और साल का आखिरी दिन जरूर आ जाता है। अब ये तो रहा सिर्फ एक फोन का एग्जांपल। ऐसे ना जाने कितने डिस्ट्रैक्शन एंड रीजंस होते हैं जिसके वजह से हम हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं ले पाते। फिर आगे जाके हम सोचते हैं, काश वो स्टेप हम पहले ले लेते तो आज हम कुछ और होते। काश आप हो अभी तक इस वीडियो पे। इट्स मीन ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी है एंड आप ओवरकम करना चाहते हो इस प्रॉब्लम को, राइट? अगर यस, देन मेरा आपसे एक सवाल है। जो ये हमारी प्रॉब्लम्स है वो क्या सिर्फ हमारे साथ ही होती है? जो सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं, क्या वो ये सब फेस नहीं करते? इनफैक्ट उनकी लाइफ में हमसे कई ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रैक्शंस है, बट वो ओवरकम कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट से। बिकॉज इस पूरी वर्ल्ड में ना ही हम किसी की लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही किसी का टाइम। इनफैक्ट हम खुद की हेल्थ भी अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इस वर्ल्ड में जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा ब्रेन, हमारा माइंडसेट। एंड अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख लिया, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। अब अगर आपको खाली छोरी पटानी है या दोस्तों में रोला जमाना है या फिर आपने बस सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल देख के डिसाइड किया है टू बी रिच और सक्सेसफुल, देन मे बी आप अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल ना हो पाओ एंड आप अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ ऐसे ही अलग अलग वीडियो देख के डिस्ट्रैक्ट होते रह जाओगे बिकॉज आपका एंड गोल इतना स्ट्रांग नहीं है जिससे आप अपने काम में फोकस रहो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोलूं, जहां भी आप हो अभी उठ के आपके सामने वाली दीवार तोड़ दो तो आप 10 रीजन दोगे दीवार ना तोड़ने के। बट अगर आपके डैड आके बोले सामने वाली दीवार तोड़ दो, उसके पीछे दादाजी ने कुछ कीमती सामान छोड़ के गए हैं, सो आप सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा दीवार तोड़ने लग जाओगे। और अगर आपका कोई दोस्त आके बोलता है कि नहीं ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप शायद ही उसकी बात मानोगे क्योंकि आपका वाई स्ट्रांग था। अब ये दोनों सिचुएशन में दीवार तोड़नी थी, बट एक सिचुएशन में आपका वाई क्लियर नहीं था और दूसरे केस में एक स्ट्रांग वाई था, जिसके वजह से हम अपने काम पे फोकस थे ना कि डिस्ट्रैक्शन पे। बिकॉज हमारा ब्रेन डिजाइन है कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी बनाने के लिए एंड वंस आपने अपने ब्रेन को स्ट्रांग रीजन दे दिया, देन वो खुद बिना डिस्ट्रैक्शन के आपके एंड गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। सेम थिंग अप्लाई ऑन सक्सेस ऑल्सो। सक्सेसफुल बनने के लिए पहले आपका स्ट्रॉन्ग वाई क्लियर होना चाहिए एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग वाई होगा देन आप यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होने के वजह फोकस कर पाओगे अपने काम में। फॉर एग्जाम्पल आपके मॉम डैड जो दिन रात आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप उनकी तरह लाइफ ना जियो एंड सक्सेसफुल हो जाओ। सो आपका ये स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को जल्दी से एक हैप्पी लाइफ दे सको। अभी ये तो रहा सिर्फ एक एग्जाम्पल। आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी एक स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढो जिससे आपको काम करने के लिए खुद से मोटिवेशन मिले बिकॉज वीडियो वाली मोटिवेशन सिर्फ कुछ समय के लिए होती है एंड वंस आपको आपका स्ट्रॉन्ग वाई मिल गया देन हाउ एंड व्हेन अपने आप मिल जाएगा। अब मान लो हमें हमारा स्ट्रॉन्ग वाई मिल गया बट हम जॉब करके अमीर तो बनने से रहे बिकॉज जॉब से हम दूसरे के सपने पूरे करते हैं ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ मनी। बट कभी आपने सोचा है आखिर में ये रिच लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं? एंड द आंसर इज बाय सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। चाहे कोई कंपनी का सीईओ हो या किसी कंपनी का एम्प्लॉय, इनफैक्ट आज जो कोई पैसे कमा रहा है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है बिकॉज तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे लोग पैसा कमा सकते हैं। बट हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है जिससे हम खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। हियर कम पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट योर सोशल मीडिया बिजनेस। इन इंडिया जहाँ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन एक्टिव है इंटरनेट पे, जिसके वजह से इट इज़ मच इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आज ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ क्रिएटर इंटरनेट की हेल्प से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड दे अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। आज आप कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, चाहे स्टूडेंट हो या कोई जॉब पर्सन या फिर एक हाउसवाइफ, आपके अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी जरूर होगी जिसमें आप बेस्ट हो।
अगर क्वालिटी नहीं है देन कोई ना कोई चीज में आपका इंटरेस्ट जरूर होगा, जो चीज करने में आपको मजा आता होगा, बस वही काम या स्किल सीखना शुरू कर दो। अब सीखने के लिए जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग में पैसे इन्वेस्ट करो, ऐसे कई सारे ओपन सोर्सेस है जहाँ से आप फ्री में सब कुछ सीख सकते हो, बट आपको थोड़ा एफर्ट डालना होगा चीजें सीखने में। एंड वंस आप बेस लेवल से ज्यादा सीख चुके हैं देन स्टार्ट टीचिंग पीपल विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल आपको पियानो प्ले करना आता है, सो यू कैन टीच अ पीपल अबाउट द बेसिक ऑफ पियानो। एंड वंस आपसे एक गुड अमाउंट ऑफ ऑडियंस कनेक्ट होने लगी देन मोनेटाइज योर कंटेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कोर्स, जहां आप पूरा बेसिक से एडवांस पियानो सिखा सको एक एक्स अमाउंट के बदले। बट ध्यान रहे कोर्स का प्राइस इतना कम भी नहीं होना चाहिए जिससे लोग चीप समझे, और ना ही ज्यादा हाई हो अपने वैल्यू से ताकि लोग स्कैम ना समझे एंड आपको गालियां दे। अब वंस आपने अपना कोर्स डिजाइन कर लिया देन आपकी एक बार की एफर्ट आपको पूरी जिंदगी पैसे कमा के दे सकती है अगर आपने कोर्स के अंदर वैल्यू प्रोवाइड की हो तो। सो ये तो रही एक चीज, इसके बाद स्पॉन्सरशिप, ब्रांड कोलैबोरेशन, एड रेवेन्यू और ना जाने कितने रास्ते हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये सब आपको तब मिलेगा जब आपके पास ऑडियंस हो, और ऑडियंस मिलेगी तब जब आप उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एंड ये दोनों चीजें तब होगी जब आप स्टार्ट करोगे, और स्टार्ट करने के लिए कई करोड़ों नहीं लगेंगे, बस लगेगा आपका एफर्ट, एक फोन एंड एक कोई भी अच्छा सा माइक, बिकॉज लो वॉइस क्वालिटी पहले चल जाती थी अब नहीं। सो इस वीडियो के बाद अपने इंटरेस्ट लोगों को एनालाइज करो एंड देखो आखिर में वो कैसे वीडियो बनाते हैं एंड कैसे पैसे कमाते हैं। बट आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए टू प्रोवाइडिंग अ वैल्यू। अब वैल्यू प्रोवाइड करने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दो, गेमिंग, सिंगिंग, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट से भी वैल्यू प्रोवाइड किया जा सकता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आइडिया अपने आप आ जाएगा। एंड इतना याद रखना, आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी अपनी गलतियों से सीख के ग्रो करोगे, बिकॉज आप पहले दिन से ही परफेक्ट वीडियो नहीं बना पाओगे। सो थोड़ी मेहनत करके क्विट मत कर देना। ड्यू टू इजी एक्सेबिलिटी ऑफ इंटरनेट हम इंटरनेट पे कुछ भी देख सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में विथ मल्टीपल choices, जिसका यूज करके इजिली लेस टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इंटरनेट का सही यूज बस कुछ परसेंट लोग ही कर पाते हैं, एंड 90% से ज्यादा लोग इंटरनेट को बस एज अ एंटरटेनमेंट यूज करते हैं, जो कि वन ऑफ द मेजर रीजन बन जाता है डिस्ट्रैक्शन का। बिकॉज हमारे सामने कई सारे मल्टीपल चॉइसेस होते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जो हम इजिली वन क्लिक में एक्सेस कर सकते हैं। एंड वंस कोई कंटेंट की वजह से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है देन हम वैसा कंटेंट और ढूंढने लगते हैं, और एल्गोरिदम आपको बिना किसी एफर्ट के उस कंटेंट रिलेटेड और भी वीडियोस आपके फीड में भेजता है एंड आप स्क्रॉल करते रहते हो। बिकॉज जितना आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करोगे बेसिकली आप अपनी लाइफ में उतने ही कंफ्यूज रहोगे, एंड जितना आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहोगे उतने ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रॉफिटेबल कस्टमर बनोगे। अब इनके सिखाए हुए मेथड में से मोस्ट ऑफ मेथड से रिजल्ट नहीं मिलते एंड आप ऐसे ही अलग अलग इन्फ्लुएंसर से डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो सवाल आता है आखिर में हम कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें। इसका प्रोसेस सिंपल है बट नॉट इजी, जो है कंज्यूम कंटेंट विच वॉज रिलेटेड टू योर वर्क। बिकॉज आज सोशल मीडिया पे कई सारे कचरे चीजें भरे पड़े हुए, सो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंटेंट को कंज्यूम करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करो या उसे नॉट इंटरेस्ट करके अपने वर्क रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करो, क्योंकि जिस टाइप का आप कंटेंट कंज्यूम करोगे उसी टाइप की आपकी सोशल मीडिया फीड क्रिएट होगी। एंड अगर आपका सोशल मीडिया फीड आपके टॉपिक एंड इंटरेस्ट रिलेटेड होगा तो आपके डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज आप जब भी फोन उठाओ पहले से ही प्लान कर लो आपको कौन सा टॉपिक सीखना है एंड सर्च वीडियो विच वॉज रिलेटेड टू योर टॉपिक। एंड द लास्ट स्टेप इज कोई भी वीडियो पे क्लिक करने से पहले एक बार अपने कॉन्शियस माइंड से सोचना आपके लिए क्या ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इससे आपको वैल्यू मिलेगी या सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अब अगर आप इस वे में सोशल मीडिया यूज करोगे तो आप टॉप 10% पीपल में आ जाओगे। एंड क्या इससे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा? देन द आंसर इज यस, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन का मेन रीजन होता है लाइफ में कोई गोल ना होना। एंड वंस आपका गोल क्लियर हो जाएगा एंड आप अपने वर्क में बिजी हो जाओगे देन डिस्ट्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं उठेगा। सो गाइस एट द एंड ऑफ द वीडियो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कितनी जल्दी एक्सक्यूज ना देके अपने गोल रिलेटेड स्टेप लो। एंड अगर आपको लाइफ के डार्क सीक्रेट जानना है देन ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, और आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली देन एक लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।